हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज हम बनाएंगे मसाला कढ़ी पकोड़ा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने एक कप करीब बेसन लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे इस तरीके से काट लिया है। उसके साथ ये काला नमक और अजवाइन डाला है एक चम्मच करीब, और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसमें। दो हरी मिर्ची हैं जिसे छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी धनिया, और यहाँ पर मैंने डाला है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसका अच्छे से घोल के देखिए कुछ इस तरह से ऐसा ये घोल बना लेंगे। अब हम यहाँ पर एक पैन ले लिया है और यहाँ पर हमने तेल डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब हम सारे पकोड़े इसी तरह से तल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ सुनहरा होने तक ही पकाना है और ये सॉफ्ट रहे बस इतना, कड़े नहीं करने हैं हमें इसे। ये देखिए पास से देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब मैंने दूसरी तरफ मसाले के लिए एक जार ले लिया है, इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की है, उसके साथ एक अदरक, चार लहसुन की कली और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लिया है। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और ये दही है, एक कप करीब दही है। इसे मैंने फ्रिज से 5 से 4 घंटे तक बाहर रख दिया था और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसे फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब फेंटने के बाद हमने यहाँ पर 1.5 कप करीब बेसन ऐड करेंगे इसमें, और उसे भी एक ही डायरेक्शन में हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, और फेंटने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर करके इसे अच्छे से फेंटेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे कि इसमें लंग्स ना बने। ये देखिए अब इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। अब अच्छे से फेंट लेंगे कि हमारा चम्मच बिल्कुल साफ निकल जाए। अब इसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों के दाने ऐड कर लिए हैं। अब इसके फूटने तक हम थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़ी मिर्चें, लाल खड़ी मिर्चें, और उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता और थोड़ा सा डालेंगे हींग, और उसके बाद जो हमने पेस्ट पीसा था उसे ऐड करेंगे। उसके साथ एक छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके साथ साथ एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अच्छे से इनको डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच भर के नमक। अब इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे और सारे मसालों को तेज आंच पे हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ये जब भुन जाए तब एक चम्मच भर के वेज मसाला, गरम वेज मसाला मैंने ऐड किया है, और इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना बेसन का घोल ऐड करेंगे। ये देखिए, और चम्मच की सहायता से पूरा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 25 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 25 से 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छी हो गई है। अब इस स्टेज पे हम पकोड़े ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जैसा आप खाना चाहें आप इसे खाइए, और आप भी बनाइए, आप भी खाइए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।